शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को नॉनसेंस बताकर जया बच्चन ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को दावत दे दी थी। अभी तक जया बच्चन के इस बयान को लेकर शाहरुख खान से सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं यार, मैं नहीं हूँ, किसी से नाराज नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। बड़े लोग हैं, उम्र में बड़े हैं, नॉट जस्ट एज प्रोफेशनली, सो इट लुक्स वेरी ऑड टू बी टॉकिंग अबाउट दिस एंड व्हेन देयर इज नो रीजन टू डू दैट। मुझे कोई नाराजगी नहीं है और होने का कोई रीज़न नहीं है, और अगर मतलब हक भी नहीं है, अगर मैं होता तो बच्चे की तरह नाराज़ होता हूँ उनके साथ, बट मैं हूँ नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं। यार मेरा काम कल मिले ना, बेचारी मेरे साइनस की दवाई दे रही थी। वैसे शाहरुख ही नहीं, बच्चन भी मीडिया के इस इशू को लेकर पूछे जाने वाले सवालों से परेशान हो गए हैं, और अब जया बच्चन को एहसास हो गया है कि उनके बयान ने हर तरफ खलबली मचा दी है। और अब ऐसे में जया जी ने फ्यूचर में किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए फैसला किया है कि अब वो किसी भी लिटरेरी फेस्टिवल या इवेंट को अटेंड नहीं करेंगी। जी हाँ, जया बच्चन ने अब कंट्रोवर्सी से बचने के लिए फैसला किया है कि वो लिटरेरी फेस्टिवल्स को अटेंड नहीं करेंगी, ना ही ऐसे किसी इनवाइट को एक्सेप्ट करेंगी। दरअसल जया बच्चन को लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी इस लिटरेरी इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स की वजह से हुई है, और ऐसे में जया बच्चन ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। वेल जया जी, शाहरुख खान ने इस मामले में क्लैरिफिकेशन देकर इस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश की है, ऐसे में आप भी इस मामले को रफा दफा कर दें तो वही बेहतर होगा। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई।